हेलो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता हो या कभी भी हल्की फुल्की भूख और समझ ना आए कि क्या बनाएं, आप ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी चीला। ये आसानी से बन जाता है, ना इनो ना फर्मेंट करना, बस फटाफट घोल बनाकर हेल्दी चीला बनाएं, वो भी सिर्फ 2 बूंद तेल से। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। टेस्टी और हेल्दी चीला बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च, उबला हुआ आलू और कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ। ग्राइंडर जार में डालें अदरक के 2 से 3 टुकड़े, हरी मिर्च 2, साथ में हरा धनिया। अगर हरा धनिया नहीं है आप पालक भी डाल सकते हैं, हरा धनिया से फ्लेवर आता है। साथ में एक बड़ा उबला हुआ आलू, अगर उबला आलू ना हो आप कच्चा आलू भी काट कर डाल सकते हैं। साथ में डालें थोड़ा सा पानी। इन सब को ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसे मैंने पीस लिया है, ये देखिए मिक्सचर की कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ी है। इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, अगर चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर डालें, जीरा 1/2 छोटा चम्मच। मेजरमेंट के लिए मैंने अपना खिलौना निकाल लिया है। इसमें डालें गेहूं का आटा 1 कप, ये आपके घर में हमेशा होता है, गेहूं का आटा सभी खाते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अभी बैटर गाढ़ा है, जिसमें हमने पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड करें और मिक्स करें। आप लाल मिर्च कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने किया है। जब आप नाश्ता बच्चों के लिए बनाएं तो लाल मिर्च कम डालें। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, रुक रुक के, एक साथ इकट्ठा पानी ना डालें और इसे मिक्स करते जाएं। हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है, इसे अब हम रेस्ट देंगे 5 से 6 मिनट का। पैन में ऑयल डालें 2 छोटे चम्मच, साथ में 1/2 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल। इसे हम भून लेंगे हल्का गोल्डन होने तक। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे हल्का सा भून लें। ऐड करेंगे साथ में 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी भूनेंगे। साथ में नमक स्वाद अनुसार, इसे ज्यादा नहीं पकाना, इसका क्रंच बना रहे। 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। तड़का बनकर तैयार हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दें। इसे मिक्स करेंगे बैटर में, साथ में हरा धनिया बारीक कटा हुआ, मिक्स करेंगे बढ़िया से। अब इसमें ऐड करेंगे खाने वाला मीठा सोडा, सिर्फ 1 चुटकी, ज्यादा बिल्कुल ना डालें। इस घोल में इसे मिक्स कर लें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, घोल बनकर तैयार है। गैस पर चढ़ाएं पैन और इसे ऑयल लगा दें। घोल को एक बार मिक्स कर लें। इसमें से 2 चम्मच भर के डालें, अगर बड़ा चम्मच है तब 1 ही बहुत। इसे हल्का हल्का सा फैला दें रोटी की शेप में। इसे अब ढक दें, फ्लेम लो। 1 से 1.5 मिनट बाद कवर हटाते हैं। ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है, हल्का सा ऑयल लगा दें और स्पैचुला की मदद से इसे पलट दें। फिर इसे हल्का हल्का प्रेस करें। इसे ना बेलना है, ना आटा लगाना है, ना ही ज्यादा देर खड़ा होना है। पूरे परिवार का नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाएगा, स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। ये देखिए चीला बनकर तैयार हो गया, दूसरा भी मैंने फैला दिया, ये भी झटपट बनकर तैयार हो जाएगा बिना झंझट के। इसी तरह हम सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे, इजीली पलट जाता है, दोनों तरफ से सिक गया है, सारा नाश्ता बनकर तैयार है। ये देखिए 1 कप आटे से कितने सारे चीले बनकर तैयार हुए हैं। ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बच्चे हों या बड़े सब स्वाद से खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत पसंद आई है, मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल कमल्स मास्टर किचन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन की बेल को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।